सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह के थ्री पीस हम कट कर लेंगे। तो ये तीनों पीस हमने कट कर लिए हैं, तीनों ही पीस हमने बराबर के कट किए हैं। 18x18 इंचेस के थ्री स्क्वायर पीस हमने कट किए हैं, टू हमने साइड्स के लिए कट किए हैं और वन हमने बॉटम के लिए कट किया। ये हमारा बॉटम वाला पीस है, इसको अभी हम साइड में रख देंगे। और ये हमने टू पीस कट किए हैं, तो ये हमने सेंटर के लिए पीस कट किया है। टोटल हमने फोर पीस इसमें कट किए हैं, तो अभी हम इसको साइड में रख देंगे। और जो ये टू पीस हैं, इनकी हम मार्किंग करेंगे। तो सीधी साइड हम अंदर की साइड रख लेंगे और इस तरह से बराबर करके दोनों पीसेस को हम रखेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग छोटे या बड़े पीस भी कट कर सकते हैं। तो दोनों पीसेस को इस तरह से रख लिया है, सीधी साइड अंदर की साइड है। अभी हम इनकी मार्किंग करेंगे। तो ऊपर से हम लेंगे 6 इंच, तो 6 इंच पर हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। अभी हम ऊपर से अंदर की साइड निशान लगाएंगे, तो 9 इंच इस तरह से लेंगे और 9 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से थिक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें दूसरी साइड से मार्किंग करनी है, तो 8 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह से इंच टेप को रख लेंगे और 8 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब इन निशानों को हम इस तरह से मिला लेंगे और थिक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से हमने थिक लाइन ड्रॉ कर ली है। अभी हमें दोनों साइड इसमें राउंड शेप देनी है, तो इस तरह से राउंड शेप बना लेंगे दोनों ही साइड। इससे क्या होगा, हमारा जो फ्लोर सोफा है उसकी बहुत ही अच्छे से शेप आएगी। तो इस तरह से दोनों साइड हमने राउंड शेप दी है। अभी हमें इसकी कटिंग करनी है, तो इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करने के बाद इस तरह के ये साइड्स वाले पीस हमारे रेडी हो गए हैं। तो ये टू पीस हमने रेडी कर लिए हैं, अभी इनको हम साइड में रख देंगे। तो ये हमने बॉटम वाला पीस लिया है, इसको हम इस तरह से खोल के रख लेंगे। तो अभी हम मार्किंग करेंगे। तो 18x18 इंच का ये हमारा पीस है, तो आप छोटे या बड़े पीस भी कट कर सकते हैं। तो इस तरह का ये पीस हमारा, इस तरह से हम इसको फोल्ड करके रख लेंगे। और फोल्ड करने के बाद इसकी हम सेंटर से कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करने के बाद इस तरह के टू पीस हमारे रेडी हो गए हैं। तो अभी हमें इनमें जिप अटैच करनी है, तो ये हमने जिप ली है। जिप की जो लेंथ है वो 19 इंच रखी है हमने। तो इस तरह से सीधी साइड अंदर की साइड रखेंगे, फिर सिलाई लगा लेंगे, फिर सीधे करते हुए टॉप स्टिच लगा लेंगे। इसी तरह से दूसरे वाले पीस में भी हम सीधी साइड अंदर की साइड रखते हुए सिलाई लगा लेंगे, फिर टॉप स्टिच लगा लेंगे। इस तरह से हम इस पीस को रेडी कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं जिप हमारी अटैच हो चुकी है। तो इस तरह से ये बॉटम वाला पीस हमने रेडी कर लिया है, इसको साइड में रख देंगे। तो ये हमने सेंटर के लिए पीस लिया है, ये हमारा सेंटर वाला पीस है। तो अभी हम इसकी मार्किंग करेंगे, तो खोल के इस तरह से रख लेंगे। तो विड्थ हमने इसके लिए 18 इंच, और लेंथ हमने इसके लिए 56 इंच। तो 2 से 3 इंच हमें एक्स्ट्रा ही लेना है, अगर एक्स्ट्रा होगा तो हम इसको कट कर देंगे। तो हमें इसमें एक्स्ट्रा ही लेना है ताकि हमारा सेंटर वाला पीस है वो छोटा नहीं रहे। तो ये हमने साइड्स वाले पीस लिए हैं, तो अभी सेंटर वाले पीस को हम साइड्स वाले पीसेस में अटैच करेंगे। तो एक पीस हम साइड में रख देंगे। तो ये जो हमारा सेंटर वाला पीस है, इसको हम इस साइड वाले पीस में अटैच करेंगे। तो सीधी साइड जो है अंदर की साइड रखनी है हमें, तो इस तरह से पीस को हम रख लेंगे। और जो सेंटर वाला पीस है, इसको इस तरह से सीधी साइड अंदर की साइड रखेंगे और इस तरह से घुमाते हुए हमें इसको अटैच करना है। चाहे तो आप इसको पिनअप कर लीजिएगा पहले, उसके बाद सिलाई लगा सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से सेंटर वाले पीस को हम अटैच कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं साइड वाले पीस में हमने सेंटर वाले पीस को अटैच कर लिया है और यहाँ से लेके यहाँ तक हमने सिलाई लगा ली है। और जो एक्स्ट्रा हमारा पीस बचा हुआ है उसको हम कट कर देंगे बाद में। तो इसी तरह से हमें दूसरे वाले पीस को भी अटैच करना है। तो इस तरह से सेंटर वाले पीस को हम बराबर करके रख लेंगे और जिस तरह से हमने ये वाला साइड वाला पीस अटैच किया, उसी तरह से हम दूसरे वाले पीस को भी अटैच करेंगे। ये हमारा दूसरा वाला पीस है, जिस तरह से हमने
पहले वाले पीस को अटैच किया था उसी तरह से हमें दूसरे वाले पीस को भी अटैच करना है। तो सीधी साइड अंदर की साइड रखेंगे और इस तरह से सेंटर वाले पीस को हम घुमाते हुए साइड्स वाले पीस में अटैच करेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं दूसरा वाला पीस भी हमने अटैच कर लिया है। तो दोनों ही साइड वाले पीस हमने सेंटर वाले पीस में अटैच कर लिए हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सेंटर वाले पीस में हम साइड वाले पीसेस को कैसे अटैच करें। तो अभी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा हुआ है उसको हम कट कर देंगे। तो एक्स्ट्रा पीस को कट कर दिया है तो इस तरह का ये पीस हमारा रेडी हो गया है। तो ये हमने इस तरह से साइड वाले पीसेस को अटैच कर लिया है। तो अभी इस तरह से हम ऊपर की साइड इसको इस तरह से रखेंगे। ये हमारी बॉटम वाली साइड है। तो हमारा जो बॉटम वाला पीस था उसको हम इसमें अटैच करेंगे। तो सीधी साइड अंदर की साइड रखेंगे और इस तरह से कॉर्नर को मिलाते हुए अच्छे से हमें इस तरह से इसको पिनअप करना है। तो आप चाहे तो पिनअप कर सकते हैं या फिर ऐसे भी सिलाई लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम चारों तरफ इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने इसमें सिलाई लगा ली है। तो बॉटम वाला पीस भी हमारा अटैच हो चुका है। तो अभी हम जिप को ओपन कर लेंगे इस तरह से, और ओपन करने के बाद इस पीस को भी हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो अच्छे से कॉर्नर को बाहर की साइड निकालते हुए इस पीस को हमने सीधा कर लिया है। तो ये हमारी बैक साइड है। तो अभी हमें इसको फिल करना है। तो सबसे पहले हम इसको ऊपर से फिल करना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए ये कॉटन मैंने ली है, इसको हम इसमें फिल करेंगे। तो जो सॉफ्ट टॉयज में कॉटन यूज़ होती है वही वाली कॉटन है, ये दबती नहीं है। तो इसी तरह की कॉटन हमें इसमें फिल करनी है। तो अगर आप इसमें फॉर्म वगैरह फिल करना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें फिल कर सकते हैं। इससे भी आपका जो सोफ़ा है वो परफेक्ट और लुक में भी बहुत ही अच्छा बन के रेडी होगा। तो अच्छे से हमने इसको जो है फिल कर लिया है। ऊपर से फिल करना स्टार्ट किया बिल्कुल सेंटर में, और कॉर्नर्स को अच्छे से दबा दबा के हमने इसको फिल कर लिया है। अभी हम जिप को बंद कर देंगे। जिप को हमने इस तरह से बंद कर दिया है और हमारे जो सोफे की बैक साइड है वो भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी शेप इसमें आई है। जब हम इसको सीधा करेंगे तो इसका जो लुक है बिल्कुल चेयर जैसा ही होगा और इसकी जो शेप है बिल्कुल चेयर जैसी आपको दिखाई देगी। तो इस तरह से अभी हम इसको सीधा कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा जो सोफ़ा है वो बनके रेडी हो गया है और इसका जो लुक है वो बिल्कुल चेयर के जैसा, यानी कि सोफे के जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरह से आप सोफ़ा बना के रेडी कर सकते हैं। इस तरह से दो या तीन आप सोफ़ा बना के एक साथ रख लीजिए, इस तरह से आपका जो बिग साइज़ सोफ़ा बन के रेडी हो जाएगा। इस तरह से आप किसी भी साइज़ का सोफ़ा बना के रेडी कर सकते हैं, एल साइज़ सोफ़ा भी बना सकते हैं, या फिर आप इस तरह के दो सोफ़े बना के नॉर्मल छोटा सोफा भी आप बना के रेडी कर सकते हैं। तो फाइनल लुक आप देख सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से हमने इस तरह का सोफा बना के रेडी कर लिया है। तो अगर आपके पास कॉटन नहीं है तो आप इसमें फोम वगैरह लाके भी फिल कर सकते हैं, उससे आपका सोफे का लुक भी अच्छा होगा और मजबूत आपका सोफा बन के रेडी होगा। और हमने इसमें पुरानी बेडशीट का यूज किया है, आप न्यू फैब्रिक का यूज भी इसमें कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास पुराने कर्टन हैं तो आप उससे भी सोफ़ा बना के रेडी कर सकते हैं। उसका जो फैब्रिक है वो काफ़ी थिक होता है। तो इस तरह से आप घर में ही फ्लोर सोफ़ा बना के रेडी कर सकते हैं। और अगर आप